Hey guys, thank you so much for coming back. मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट का ना हेल्प यू। कैसा बच्चों लोग सारे? चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में, जी हाँ, आज ही के दिन निकला है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को इस नोटिफिकेशन का बहुत टाइम से इंतजार था। जी हाँ, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आज ही के दिन रिलीज हुए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी ऑफिसर्स 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में ए टू जेड पूरा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है आज ही के दिन निकला है, पूरी जितनी भी डिटेल आपको जाननी जरूरी है सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस ऑलरेडी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी जितनी भी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे, प्लस इससे भी ज्यादा जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ बनाकर हमने अपलोड कर दी है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा आपको क्योंकि अभी 2-3 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट होने में और ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं दिया है एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में, राइट? तो रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट 15 फरवरी 2021 है, राइट? तो नियर अबाउट 15 से 16 दिन के टाइम, नियर अबाउट में इतना टाइम में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। और लास्ट मूवमेंट का वेट मत करिएगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आपका जो लिंक है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है वो थोड़ी बिजी चल सकती है, इसलिए लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें तो बढ़िया है, राइट? फेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन बताने वाला हूं, इसमें कितने फेजेस होते हैं। फेज फर्स्ट का 6 मार्च 2021 और फेज सेकंड का 1 अप्रैल 2021, तो टाइम नहीं है, विद इन 3 मंथ में सब कुछ आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बेस्ट बुक्स का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं या शेयर कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, सबसे पहले लिंक को आपको क्लिक करना है, वहां पर मैं बहुत ही जल्द विद इन 24 आवर्स, जैसे ही ये वीडियो लाइव होगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम बेस्ट बुक जो भी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी सारी वहां पर डाल देंगे, आप वो चेक करना मत भूलिएगा, राइट? चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है। देखिए, ये एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, फीस भी ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं। 850 देनी पड़ेगी अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और 400 फॉर एसटी एससी कैंडिडेट। क्लियर हो रहा है? चलिए, वेबसाइट है rbi.org.in। 28 तारीख से इस वेबसाइट में फॉर्म्स वगैरह भरने स्टार्ट हो जाएंगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? 15 फरवरी से पहले पहले हमें फॉर्म फिल कर लेने हैं। अब इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी मैं आपको देता हूं क्योंकि अगर आप सीरियस हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर तो बहुत कुछ जानना चाहेंगे, राइट? देखिए, पोस्ट के नेम 3 बेसिकली ग्रेड बी में पोस्ट होती है। पहली होती है जनरल, जिसके अंदर 2021 में 2070 वैकेंसियां हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च 29 वैकेंसियां हैं। और तीसरी पोस्ट होती है ग्रेड बी में ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें 23 पोस्ट हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, एग्जाम की स्टेजेस देखिए, यहां पर 3 स्टेजेस आपको क्लियर करनी पड़ती है। यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे जनरल पोस्ट के लिए, 270 जिसकी वैकेंसी निकली है उस पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए अप्लाई करना है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है तो यहां पर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर जरूरी होती है विद मिनिमम 55%, और बेसिकली यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन उसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होनी चाहिए। यहां पर आपका मास्टर्स इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिसी रिसर्च में होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टेटिस्टिक, तो मास्टर्स आपका स्टेटिस्टिक्स में या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में एमबीए वगैरह पीजीडीएम वगैरह आपका होना चाहिए, राइट? तो यहां पर क्वालिफिकेशन भी थोड़ी डिफर करती है, पेपर का पैटर्न भी यहां पर डिफर करेगा। इस पोस्ट में या इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल पोस्ट के। देखिए, जनरल पोस्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अप्लाई करते हैं, 3 फेज होते हैं। पहला
ऑनलाइन का, दूसरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आता है, और तीसरा हमारा इंटरव्यू का रहता है। पहली जो स्टेज होती है ऑनलाइन एमसीक्यू जो पेपर रहता है वो 200 मार्क्स का आता है, फेज सेकंड 300 मार्क्स का आता है, और इंटरव्यू जो लास्ट स्टेज रहती है राइट, जो फेज फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर लेता है उनको 50 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? अब यहां पर एलिजिबिलिटी देख रहे हैं हम जनरल पोस्ट के लिए, जनरल पोस्ट के लिए 270 जिनमें वैकेंसी निकली उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए बहुत गौर से एलिजिबिलिटी हमें ध्यान देनी है। यहां पर मिनिमम 60% मार्क्स एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के होने चाहिए। 60% किस चीज में? ग्रेजुएशन में, टेंथ में और ट्वेल्थ में, तीनों टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं। क्लियर हो रहा है? अगर आप एसटीएससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके 50% होने चाहिए किस में? अगेन टेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी और ग्रेजुएशन में भी। सिंपल हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। हो रहा है क्लियर? यहां इन दोनों पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, जनरल पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है। ग्रेजुएशन में परसेंटेज 60% फॉर जनरल, और जो एसटीएससी है 50% होनी चाहिए तीनों जगह, ट्वेल्थ में भी, टेंथ में भी, ग्रेजुएशन में भी। जनरल के लिए भी 60% टेंथ में, ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में। एज लिमिट 21 से 30 के बीच होनी चाहिए आपकी। यहां पर एग्जम्पशन भी है, 3 साल ओबीसी को मिलेगा, 5 साल का एज का एग्जम्पशन जो है हमारा एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलेगा। सिंपल हो रहा है राइट? जो हमने नोटिफिकेशन डाला है, पीडीएफ डाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर भी आप क्लियर से ये रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा राइट। चलिए अब मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करेंगे। यहां पर अटेम्प्ट भी फिक्स है, यहां पर अटेम्प्ट भी फिक्स है। जनरल को 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम मिलते हैं, एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी को कोई लिमिट नहीं है। यहां पर जनरल और ओबीसी के अटेम्प्ट में हाँ लिमिट है। सैलरी देख सकते हैं आप, 77,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। ग्रेट बी ऑफिसर्स की हमारी आरबीआई की ये पोस्ट रहती है, तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और देखिए भरना भी जरूरी है, या भरना उन बच्चों के लिए यहां पर बहुत एक सुनहरा मौका है जिनका थ्रू आउट द टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज रही है, अबव 60 रही है, अबव 50% रही है। अगर आप एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, पहले बहुत कम बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एज का क्राइटेरिया प्लस हमारा जो स्पेसिफिकली या ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वालिफिकेशन को दी गई है, वहां पर बहुत सारे बच्चे फिल्टर हो जाएंगे। जिनके 60% से कम है वो तो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, स्टूडियस बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन यहां पर कम मिलने वाला है। सिंपल। चलिए फेस वन, अब दो फेसेस जो आपके होते हैं, फेस वन और फेस टू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। बेसिकली 4 पेपर आपको देने पड़ते हैं। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस का होता है, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज का, चौथा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देखिए यहां पर 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के राइट। तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का पोर्शन सबसे ज्यादा है, जिसमें स्टैटिक जीके भी आएगी आपके और करंट अफेयर्स भी आएंगे। करंट अफेयर्स 6 मंथ तक आप कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह में 60 क्वेश्चन, अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं आराम से आप, सिर्फ 30 क्वेश्चन है राइट, और सेक्शन कट ऑफ भी नहीं है इसमें राइट। तो यहां पर क्या है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पेपर आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। 2 घंटे आपको मिलेगा ऑनलाइन एमसीक्यू ये टेस्ट होने वाला है। नेगेटिव 0.25 की रहने वाली है, 1/4 की यहां पर नेगेटिव रहने वाली है राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फेज 2। फेज 2 हमारे में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, 3 बेसिकली पेपर आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ही पेपर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, इसका जो राइटिंग सेक्शन है आपका उसमें ऐसे राइटिंग आती है, आपका प्रिसाइज राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आती है, या आपको कीबोर्ड में ही टाइप कर कंप्यूटर में आपको इनपुट देना पड़ेगा। थर्ड हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आता है। देखिए यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 65 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और सिर्फ इस सेक्शन को, पहले सेक्शन को करने के लिए 90 मिनट आपको मिलेंगे, एक ही सेक्शन को करने के लिए 90 मिनट। सेकेंड इंग्लिश राइटिंग स्किल में
तीन क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के आएंगे और 90 मिनट्स अगेन आपको मिलेंगे। तीसरा जो सेक्शन है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 65 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और अगेन 90 मिनट्स मिलेगा, राइट। तो हर एक पेपर के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। यहां पर चारों पेपर के आपको 120 मिनट्स मिल रहे थे, चारों पेपर के यहां पर 120 मिनट्स मिल रहे थे, मतलब 2 आवर्स आपको मिल रहे थे। यहां पर हर पेपर में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, राइट। जो बच्चा फेस फर्स्ट और सेकंड को क्लियर कर लेता है उनका इंटरव्यू होता है, राइट। उनको इंटरव्यू में पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, वन ऑन वन इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, फेस वन फेस टू और फेस थ्री के टोटल मार्क्स करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसके बेसिस पर आपको स्टेट वाइज सिटी वाइज अपने जो अलॉट होते हैं ऑफिसेज वगैरह या अपनी पोजिशन वगैरह अलॉट होती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे सिलेक्शन होता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स वगैरह का लिंक मिल जाएगा जहां से आप बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से इस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक है जो कि आप कम से कम समय में प्रिपरेशन कर इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं जितना हो सके मैंने सिंपल रखा था वीडियो, जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश थी कि इस एग्जामिनेशन में क्या है खास, कैसे इस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हमें अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट होती है मैं सबसे पहले वहां पर पोस्ट करता हूं। तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे सुनील अधिकारी तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, राइट। तो ये थी जानकारी, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। ऐसे ही वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।